नहीं हुमायूं घुमावरी, अच्छा तुमने बताया कि तुम्हारे चार बहन भाई और कोई शोबिज में नहीं, तो तुम जब शोबिज में आ रहे थे तो तुम्हारे अम्मी अब्बू ने थोड़ा सा कहा था कि बेटा क्यों कुछ और करो, ये वो नहीं कर, किसी के अम्मा अब्बा कहते हैं। ये था कि शौक है, जैसे बच्चा फुटबॉल खेलने जाता है, क्रिकेट खेलने जाता है, तो उनको था ये अपना ये वाला शौक कर रहा है, इसको ये शौक है, तो वो शौक जो है वो होते होते प्रोफेशन बनना शुरू हो गया। प्रोफेशन जब बनाया तो घर में किसी ने एतराज तो नहीं किया कि भाई शौक की हद तक सही था? नहीं, एतराज नहीं किया, क्योंकि वो इतना ज्यादा ग्रेजुअली था, स्लो था, कि उनको समझ ही नहीं आई। उन्होंने कहा कि यही इसका शायद गोल है। अच्छा, तो किसी ने रोका नहीं मुझे? रोका नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सपोर्ट कोई भी नहीं थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम कैसे मौका मिला था तुम्हें? फर्स्ट टाइम तो ऐसे मौका नहीं मिला था, बहुत सारी जगहों पे ऑडिशंस और पता नहीं कहां कहां जाके था, कैसे एकदम होता है ना, घर बैठे तो नहीं ख्याल आ जाता मैं टीवी पे आऊंगा, कोई ना कोई कहता है यार जरा सा हीरो टाइप लगते हो, जरा ट्राई तो करो। मुझे, मैं ना एक शो देख रहा था, तो उसमें फैशन मॉडलिंग हो रही थी, रैंप मॉडलिंग पे, तो मैंने वहां देखा ना, तो पता नहीं मुझे एक दिल में उस सेकंड मैंने कहा मुझे ये करना है। वो जो एक एलिमेंट था, वो जो फर्स्ट टाइम वाला मॉडलिंग करनी है, शौक ये हुआ था। अब आई वाज सो यंग कि वो जो मॉडलिंग कर रहे हैं वो अलग लोग हैं, हम यहाँ बैठे में अलग लोग हैं, कोई सोशल मीडिया है नहीं, कैसे अप्रोच होगी, क्या होगा, लेकिन बस दिल में आ गया था कि ये करना है मुझे। तो उसके बाद फिर लग गए तस्वीरें खिंचवानी, ऑडिशंस देने और इधर जाना उधर जाना, तो बस वो अखबारों में एड्स देखने, यहाँ जाके ऑडिशन देना है, वहाँ देना है, तो उस वक्त तो मुश्किल था। फिर मिला जो कैरेक्टर पहला मिला था वो क्या था? वो मेन था, साइड था, बहुत एक्स्ट्रास था। मैंने जो कैरेक्टर ऐसे किया है कि क्राउड में 500 लोग खड़े हैं, उसमें खड़ा हुआ हाथ नहीं कहो, तो आई स्टार्टेड लाइक दैट, ऐसे होती है मेहनत भाई, तो वो वहां से फिर करते करते एफर्ट करते करते पता नहीं कब बड़ा कैरेक्टर मिल गया, पता नहीं चला। और ये याद नहीं हुआ कि बड़ा कैरेक्टर पहली दफा कैसे मिला? मुझे ये याद है कि एक जब सपोर्टिंग कैरेक्टर करते हुए मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब नहीं करूँगा, अब करूँगा तो लीड पे काम करूँगा, वरना नहीं करूँगा। तो वो फिर कहीं से मुझे कॉल आ गई कि एक कमर्शियल है, आप अप्रूव हो गए हैं और लीड है। नहीं, मैंने उससे कहा कि मैं जो हूँ ना वो साइड कैरेक्टर्स नहीं करता, मैं लीड करता हूँ, मतलब काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आ गया, मैं बस ये यूं करता हूँ, तो आज लीड कैरेक्टर है। मैंने कहा अच्छा लीड कैरेक्टर है, यकीन में नहीं आ रहा कि वाकई लीड कैरेक्टर है। तो फिर वो लीड कैरेक्टर था, तो आप जब नो कहते हैं किसी चीज से कि ये नहीं करना मुझे, ये करना है, तो फिर वो आपको मिलता है। हाँ, फिर उसके बाद एक नई स्ट्रगल स्टार्ट हो गई। स्ट्रगल तो आपकी कभी भी खत्म नहीं होती, आज के दिन में भी स्ट्रगल होती है ना, कि आपने ये अब ये नहीं करना, अब इससे ऊपर कुछ जाके करना।